सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही लड़ाई के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आ गया है। मुरैना के बीजेपी सांसद नरेंद्र सिंह तोमर शिवपुरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लड़ाई वहां होती है जहां स्वार्थ होता है। कांग्रेस में नेता अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। मतलब भविष्य क्या होगा इस पर बोलना उचित नहीं रहता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और लड़ाई वहाँ होती है जहाँ स्वार्थ होता है। अब कांग्रेस में सभी खेचे खेच लगे हुए हैं, तो जिसे नहीं मिल पा रहा है वो अपना टेंटे टेंटे करवाए। नरेंद्र सिंह तोमर शिवपुरी के पौरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने पहुँचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम कमलनाथ के बीच बयानबाजी की वजह से एमपी कांग्रेस में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।